तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर 0.23% हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पिछले एक साल का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे शेयर एक लंबा कंसोलिडेट लगा रहा है, आप सीधा सीधा चार्ट पे देख सकते हो। क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये सही होगा, क्या इसे होल्ड करना सही होगा, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आज से दो साल पहले की बात करें जैन टेक्नोलॉजी पर कोई भी इतना बुलिश नहीं होता हुआ देखने को मिलता था। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से ड्रोन सेक्टर पे एक उम्मीद जताई है उसके बाद शेयर एक अच्छा खासा रिटर्न देने लग पड़ा था। अगर मैं पिछले पाँच साल का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे शेयर लंबा कंसोलिडेट पीरियड लगाता ही रहता था, लेकिन एक बार उसने तोड़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक जबरदस्त रिटर्न दिया और उसके बाद फिर से एक लंबा कंसोलिडेट लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों सरकार ने यहाँ पे एक ऐलान किया था कि ड्रोन सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले समय के लिए और 120 करोड़ की PLI स्कीम का भी ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती हुई देखने को मिली तो यही PLI स्कीम हमें 500 करोड़ के आसपास देखने को मिली, जो कि इन जैसे शेयर के लिए अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों ड्रोन सेक्टर पे जुड़ा हुआ ये शेयर और लॉजिस्टिक पे भी अपना हाथ अजमाता हुआ देखने को मिलता है और लगातार इनका जो बिजनेस है वो अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1500 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है, तो अगर ये शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ से 40-50% गिनने की भी पूरी आशंका जताई जाती है, क्योंकि ये शेयर माइक्रो कैप में गिना जाता है। और अगर आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको ये बोलूँगा आप इस प्राइस पर इस शेयर को बाय कर सकते हो और आने वाले समय में इस शेयर को 5 से 6 साल दीजिए और ये शेयर आपको आने वाले समय में 500, 600, 700 भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, स्प्लिट या बोनस भी देता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर के जो फंडामेंटल है वो लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इसकी बैलेंस शीट पे। अगर इसके रिजर्व की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर में लगातार रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 से 10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है और ये बोरिंग हमें रिजर्व के सामने कुछ भी देखने को नहीं मिल रही। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसके टोटल एसेट है वो हमें लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है शेयर के लिए। दोस्तों जब से सरकार ने ड्रोन सेक्टर से उम्मीदें जताई है तब से ये शेयर काम भी बहुत अच्छा हुआ देखने को मिल रहा है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है और PLI स्कीम का ऐलान हुआ था उसके बाद इसके एसेट भी आप देख सकते हो किस हिसाब से किस तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी के बैंक अकाउंट में भी एक अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक और अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों माइक्रो कैप के हिसाब से इसके फंडामेंटल इसकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और फ्यूचर भी इसी के साथ है, तो मैं आपको यही बोलूँगा जल्दबाजी में इसे एग्जिट मत कीजिएगा। इस शेयर को आप 5 से 6 साल दीजिए, आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का पूरा दम रखता है ये शेयर। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।